अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के बारे में, जिसकी शुरुआत चीन से हुई और आज पूरी दुनिया इसके चपेट में है। आखिर ये कोरोना वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है और इसे कैसे बचा जाए, इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ है डॉक्टर जुबैर शेख, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट है। डॉक्टर साहब, आखिर ये कोरोना वायरस है क्या और इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कोरोना एक वायरस है जो कि इंसानों और जानवरों को इन्फेक्ट करता है, खास करके सांस की बीमारियां पैदा करता है, जो कि इंसानों के लिए ख़तरनाक और मोहलिक हो सकता है, जैसा कि सार्स है, SARS है। कोरोना से जो बीमारियां पैदा उसको होती है उसको कोविड 2019 कहते हैं। कल ही WHO ने इसको पैंडेमिक करार दिया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, खास करके चाइना जहाँ बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं, ईरान है, तो इटली है, मलेशिया है, कोरिया है, जापान है, और हमारे मुल्क में भी कुछ केसेस पाए गए हैं, मगर उनका तनासुब बहुत ही कम है। कोरोना वायरस जो एक किस्म का वायरस है, ये 400 से 500 माइक्रो का होता है और काफ़ी एक्टिव होता है, जो कि 27 से 26 डिग्री के कम दर्जे रात में ज़िंदा रहता है और एक्टिव रहता है और लोगों को इन्फेक्ट करता है, और ये हवा में चंद घंटे, मेज़ पे, टेबल पे चंद घंटे और जिस चंद घंटे तक एक्टिव ज़िंदा रहता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 7 दिन है। जब कोई अच्छा आदमी इसके इन्फेक्शन में आता है तो उसके जिस्म के अंदर एक पीरियड होता है जब बीमारी पैदा होती है और सिम्टम अपेयर होते हैं, ये 7 दिन का होता है। इस 7 दिन के अंदर वो लोगों को भी इन्फेक्ट करता है, तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो दूसरों को इन्फेक्ट करता है। और उसके अलावा ये वायरस खास करके एल्डरली लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, चेस्ट की बीमारी, उनमें ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, मगर जवानों बच्चों में भी इन्फेक्ट होता है, मगर उनका तनासुब कम है। और इस बीमारी की मोर्टेलिटी 2.5% है, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस फैलता कैसा है और इससे बचा कैसा जाए? कोरोना वायरस जो है हवा के जरिए, यानी एयरबॉर्न डिजीज़ है, जो कि खांसने और छींकने की शक्ल में, ड्रॉपलेट की शक्ल में फैलता है। जब भी कोई मरीज़ कहीं जाता है भीड़ भाड़ पर और खांसता है, छींकता है, तो उसके वायरस चारों तरफ फैल जाते हैं। उसके अलावा हवा में भी और टेबल पे, मेज़ पे या दरवाजे पे लग जाते हैं, जो कि लोगों को कांटेक्ट में आता है उनको फैल जाता है। तो इससे बचाव ये करना चाहिए कि उस जहाँ पे लोग जमा वहाँ पे ना जाया जाए और इस इन्फेक्शन से बचा जाए करके। तो ये खास करके ये किया जाए कि जब भी जहाँ गर्दी हो उसको आइसोलेट कर। उसके अलावा आपको जर्सों में हाथ में लग गए हो तो आपको हाथ धोना चाहिए, खास करके साबुन धोना चाहिए, मगर आजकल लोग जो है ना सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, मगर जो साबुन जो है सैनिटाइजर ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैसा बचा जाए करके, और एक बहुत सारी अफवाहें फैल रही कि चिकन खाने से, मटन खाने से, सब्जियां खाने से, खासकर ड्रैगन फ्रूट खाने से बीमारी फैल, जबकि बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ जरसुमा से फैलता है, वायरल इन्फेक्शन से है और ये कोरोना वायरस से फैलता है। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस से कैसा बचना चाहिए और आप लोगों को क्या संदेशा देंगे? सबसे अहम चीज़ है हाइजीन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, लोगों से दूर रखना चाहिए, लोगों से अलग रखना चाहिए, हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक मरीज़ कहीं खांसता है, छींकता है तो सारा इन्फेक्शन फैलाता है, तो हमें भीड़ से बचना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि हाँ, क्या हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? तो यस, मैं कहूँगा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, मगर दूसरा सवाल ये है क्या हमें ट्रिपल लेयर या N95 का मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? तो मैं कहूँगा जो लोग इन्फेक्टेड हैं या वो डॉक्टर जो इन मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, उनको सिर्फ सिर्फ ट्रिपल लेयर और N95 मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी लोगों को अपने रुमाल से, कपड़े से, ओढ़नी से मुंह बंद करके या कोई मास्क इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा आप जब किसी भी कांटेक्ट में आएंगे तो आपको हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, लोग सैनिटाइजर भी करके आप कर सकते हैं, मगर साबुन ज़्यादा बेहतर। उसके अलावा आपको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जिस तरह से चाइना के अंदर ये मर्ज 3 महीने तक काफ़ी उरूज पे था, काफ़ी इन्फेक्शन फैला, तो हमें भी अपने आप को अपने इस मुल्क के अंदर तैयार रहने के, हमें 3 महीने तक एहतियाती तदबीर या प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करना है। उसके अलावा अगर किसी को सर्दी खांसी हो जाए तो पैनिक नहीं होना है, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसे इलाज कीजिए, और उसके अलावा अपने आप को आइसोलेट, अगर डॉक्टर चाहता है कि आपका अगर टेस्ट हो तो कस्तूरबा में इसके ब्लड की जांच हो रही, वहां भेजेगा, आपको टेस्ट कराएगा, मगर पैनिक नहीं होना और ना ही आप दूसरों को डराइए। इसके अलावा आपको
तो तमाम इत्यादि तदाबीर इस्तेमाल करना है कि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। अगर आपको हो गई कुछ बीमारी तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। सबसे बड़ा इलाज यही है। इस बीमारी का अब तक टीका दस्तियाब नहीं है, मगर हमें उम्मीद है कि चंद दिनों में या चंद महीनों में उसका टीका भी दस्तियाब हो जाएगा और प्रिवेंटिव तौर इस्तेमाल किया जाएगा। बस इतना ही कहूँगा कि हमारी सरकार काफ़ी सतर्क तौर पर काम कर रही है, काफ़ी लोगों को बचाव के लिए कर रही है और तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रही है और काफ़ी इसमें कामयाब, इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत कम केसेस पाए गए और हमें उम्मीद करते हैं कि हम इस बीमारी से लड़ेंगे और इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। तो आपने सुना डॉक्टर जुबैर ने कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है और इससे कैसे बचा जाए, इस पर जानकारी दी और कहा किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। अगर आपको सर्दी खांसी होती है फौरन अपने डॉक्टर के पास जाए और पूरी एहतियात बरते। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।